क्या प्रोग्राम रहेगा, कहाँ कहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम रहेगा और कितनी देर का होगा, कैसा पूरा प्रोग्राम होगा? ये तो 10-11 बजे से रहेगा, 5-6 घंटे का प्रोग्राम है। और ये तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग जगह प्रोग्राम बना रखे होंगे। ये जो भी होगा गाजियाबाद से आउटसाइड में होगा प्रोग्राम, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर में प्रोग्राम है। वो तो कल ही पता चल पाएगा कहाँ कहाँ रुकेगी, लेकिन रुकेगी। ये संयुक्त मोर्चे का फैसला है और संयुक्त मोर्चा पूरे देश में इस पे काम कर रहा है। ये पहले भी बातचीत आई थी एक बार कि जो नियंग फौज है इसकी अभी जरूरत नहीं है, और जब इनको जरूरत होगी तो इनको बुला लेंगे, लेकिन कुछ लोग रहोगे यहाँ पे और उनका रहा क्योंकि वे भी उसी दिन से शामिल हैं। और ये जो घटना हुई है ये एक धार्मिक घटना है, इसका किसानी आंदोलन से संबंध नहीं है। और उन्होंने फिर भी ये कहा कि ये हमारा खुद का मामला था, व्यक्तिगत मामला था, धार्मिक मामला था, और इससे किसान के उससे ना जोड़ा जाए, भारत सरकार इससे किसान के इशू पे इसको ना जोड़े। ये उन्होंने दोनों तरफ से बयान उनके साफ हैं कि ये हमारा मामला था, ये धार्मिक मामला था, और भारत सरकार किसानों से इसको ना जोड़े। और किसानों ने भी यही कहा कि इसका किसानी इशू नहीं था, ये एक धार्मिक इशू था। तो उनसे बातचीत कर रहे हैं और बातचीत ये है कि उनकी अभी जरूरत नहीं है यहाँ पे, कभी जरूरत होगी तो फिर उनको बुलवा लिया जाएगा। और उस सेंसिटिव जो वो है वहाँ से उनसे उस संबंध में बातचीत, निहंग सिख जो है उनसे बातचीत हो, और जो फौजे हैं क्योंकि बिल्कुल फ्रंट लाइन पे है और सरकार कभी भी माहौल खराब करवा सकती है, और ये जो भी षड्यंत्र था ये पूर्ण रूप से सरकारों की देन है, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस अगर ये घटनाक्रम हुआ तो कहाँ थी। जैसे बैरिकेटिंग पे कोई काम हुआ और बैरिकेटिंग वो दिल्ली पुलिस के वहाँ पे, वही हमारी इंटेलिजेंस रहती है, क्या उसको नहीं जानकारी थी? तो इसका मतलब ये लगता है कि सबकी जानकारी में ये था और ये करवाया हुआ एक तरह से वो है।